आखिर अयोध्या में राम मंदिर स्थापना में खान जोड़ी को क्यों नहीं बुलाया गया? सलमान, शाहरुख और आमिर खान को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता क्यों नहीं मिला? दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार राम लल्ला की 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस उत्सव को केवल अयोध्या ने ही नहीं बल्कि पूरे भारत राष्ट्र में और बाहर विदेशों में भी उत्साह के साथ मनाया गया। बता दें कि 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के 3000 से ज्यादा वीवीआईपी लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, जिसमें बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी, खेल जगत की हस्तियां तो फिल्मी एक्टर्स भी शामिल होंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड की खान जोड़ी सलमान, शाहरुख और आमिर को न्योता नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ सभी मशहूर हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे, तो सलमान, शाहरुख और आमिर खान को इन्विटेशन तक नहीं मिला। आखिर अयोध्या में राम मंदिर स्थापना में खान जोड़ी को क्यों नहीं बुलाया गया? और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आखिर कौन से वीआईपी पर्सन और सेलिब्रिटीज है जिनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। सब कुछ जानने के लिए बस वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आगे चलने से पहले, अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। अयोध्या में बन रहे अलौकिक श्री राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुए इस अनुष्ठान कार्यक्रम के लिए 11 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया था और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह सज चुकी राम जन्मभूमि अयोध्या को सभी उत्सुकतावश निहार रहे हैं। आपको बता दें कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में देश की सभी जानी मानी हस्तियों को लाल भगवा रंग से सजे आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति और बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर, धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी निमंत्रण पत्र दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर उद्घाटन में बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बॉलीवुड कलाकार और क्रिकेट उद्योग जगत की मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक करीब 7000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में पधारने का न्योता दिया गया था, जिसमें 4000 तो संत हैं और 2000 से ज्यादा अन्य दिग्गज लोग हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जितना भव्य राम मंदिर है उतना ही दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र है, जिसमें भगवान राम का भव्य मंदिर तथा उनके बाल स्वरूप की छवि अंकित है। साथ ही निमंत्रण पत्र में एक पुस्तिका भी साथ में दी जा रही है, जिसमें राम जन्म भूमि आंदोलन में शामिल लोगों की जानकारी मुद्रित की गई है। भगवान राम की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में किया जा रहा है। इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए और इस भव्य समारोह में भाषण देने के लिए तैयार हैं। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था, क्योंकि इन्होंने ही राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव रखी थी और इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अन्य खास लोगों की बात करें तो उद्योगपति रतन टाटा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था। राजनैतिक गलियारे की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़ग और सोनिया गांधी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वह इस समारोह को प्राण प्रतिष्ठा न बताकर बीजेपी और आरएसएस का एक चुनावी एजेंडा बता रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनएसएसपी अध्यक्ष शरद पवार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था। और जब बाद में निमंत्रण पत्र दिया गया तो अखिलेश यादव ने निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया। खैर, चलिए
अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के दिग्गज कलाकारों की, जिनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। जी हाँ, क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी राम मंदिर की स्थापना में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। यही नहीं, 1992 में मारे गए कार सेवकों के परिवारजनों को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक पूरे भारतवर्ष से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 4000 संतों को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है, राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए 50 देशों के एक एक प्रतिनिधि को भी शामिल करने का प्रयास अभी जारी है। वहीं न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र ट्रस्ट ने मशहूर रामायण के उन कलाकारों को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया है जिन्होंने प्रभु श्री राम और माता जानकी के किरदार को बखूबी निभाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जी की, यह भी राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होंगे। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड गलियारे से, कौन कौन इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। यह निमंत्रण पत्र बॉलीवुड के बिग बी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत तक को दिया गया है। यही नहीं, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, सनी देओल, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर जैसे कई कलाकार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। यही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेगी। कंगना को राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण मिल चुका है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों, बॉलीवुड के ऊम डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और एक्शन फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी समारोह में जाने का निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका था। यही नहीं, साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार को भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र मिल चुका था, जिसमें सुपरस्टार चिरंजीवी, मोहनलाल, धानु प्रभास और कांतारा फिल्म एक्टर आशब शेट्टी शामिल है। इसी लिस्ट में अब एक बॉलीवुड स्लीप जोड़ी का नाम भी जुड़ चुका है। जी हाँ, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल चुका था। कार्ड हाथ में लेकर और स्माइल करते हुए कपल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब फिल्म जगत की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि 2019 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला रखा था तो बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस निर्णय को सराहा था। जैसे तापसी पन्नू और विवेक ओबेरॉय ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की थी। लेकिन उस वक्त बॉलीवुड के खास सलमान शाहरुख और आमिर खान ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की थी। शायद यही कारण है कि किंग खान, शाहरुख खान, भाईजान, सलमान खान और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पहचाने जाने वाले आमिर खान को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। दोस्तों, आगे हम आपको बता देते हैं कि इस समारोह में कवि, लेखक, संगीतकार, न्यायाधीशों, वैज्ञानिक, पत्रकारों, पूर्व नौकर, शाह सेवा निवृत्त सैन्य अधिकारी, वकील पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया है कि हमने उन पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था। इसके अलावा शरद शर्मा ने बताया कि वीवीआईपी को बारकोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थे वह लोग जिनका भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामल की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह समारोह बीजेपी का कोई चुनावी एजेंडा है? क्या बॉलीवुड के खान कहे जाने वाले सलमान शाहरुख और आमिर खान को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए।